सिवनी जिले में लखना दौन के अंतर्गत ग्राम पंचायत गोसाई खमरिया के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में किसी अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा स्कूल के कमरे में अनैतिक कृत्य करने का मामला सामने आया है। बता दें कि गोसाई खमरिया में शाला में कोई अज्ञात शरारती तत्व अमर्यादित शब्दों का प्रयोग शाला बनाकर चलाया गया। इसी क्रम में जब स्कूल परिसर के अंदर टीचर और बच्चों की कमरे में जैसे ही नजर गई तो वहां अमर्यादित शब्दों का भंडार था, जिसे देखकर शाला में पढ़ने वाली शिक्षिकाओं के मन को काफी ठेस पहुंची है। टीचरों ने कहा कि शिक्षक बच्चों का भविष्य गढ़ती हैं और उन्हीं शिक्षकों के बारे में गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और अपने परिवार और संस्कारों को दर्शाया गया है। वहीं निरीक्षण करने पहुंचे BDO अनुराग रावल ने इस मामले में जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। सिवनी से ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ पर घटना ये घटी थी कि एक क्लासरूम में कुछ टीचर्स के बारे में अश्लील बातें, अश्लील शब्द लिख दिए गए, तो उसके संबंध में मैं सारे टीचर्स से बयान ले रहा हूँ और फिर प्रतिवेदन सहायक महोदय के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। प्रतिवेदन के आधार पर जो भी चीज़ें निकल के आई हैं और जो कुछ कमियाँ जो दिखी हैं, जहाँ जहाँ से असामाजिक तत्व प्रवेश कर सकते हैं, तो उसे मैंने अभी प्रिंसिपल सर को बंद करने के लिए जगह दी। तो मुझे बताया गया है कुछ अभद्र शब्द है ना कमरे में लिखे हुए हैं। मैं वहाँ जाकर देखा तो मुझे ऐसे कोई अभद्र शब्द वहाँ नहीं मिले यार। अब इसको मैंने तब देखा, ऐसा प्रतीत होता है कि स्कूल के माहौल ख़राब करने के उद्देश्य से ये सब कुछ किया जा रहा है।